शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसे दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में आज 17 दिसंबर 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मेरे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। उत्तम से उत्तम आत्मा बनने का युग है। यहां की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। ये जो बाबा की पढ़ाई है, इससे तुम उत्तम से उत्तम बन सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है ये। 21 जन्मों की गारंटी है, ये जन्म भी, अगले 20 जन्म की भी गारंटी है। उत्तम से उत्तम रहोगे। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? अंदर से हमेशा खुशी रहेगी आपको, इंटरनल हैप्पीनेस रहेगी। कौन सा निश्चय चाहिए? उत्तर है, पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। क्या कहना चाहिए? हम ही विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। तो अभी हम बने हैं त्रिकालदर्शी, यानी रचता द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। ठीक है, अति इंद्रिय सुख इन चीजों से मिलेगा आपको। यही संगम पर नहीं लिया तो आगे का भी कोई गारंटी नहीं है। दीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं मैं। भक्ति मार्ग का गीत है ना ये। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं। किस बात की? पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जहां भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। अच्छी पोस्ट पोजीशन मिले तभी जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में। फिर यूनिवर्सिटी वही है, कॉलेज वही है, फिर उसी से कोई क्लर्क बनता है, कोई मैजिस्ट्रेट बनते हैं, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पढ़ाई वही है, उसी देखो अलग अलग पोस्ट मिल गई। यानी पुरुष उत्तम पद पाते ही हैं, परंतु वो सब पढ़ाई है कलयुग के लिए उत्तम पद। तो बाप आकर सत्युग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं। सत्युग की पोस्ट अभी से लेके ना,
डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बन जाएगा, पहले 5 साल का MBBS का पूरी करेगा तभी डॉक्टर बनेगा ना, तो ये पढ़ाई है पहले आगे के लिए। इसलिए ये है संगम युग, इसमें उत्तम से उत्तम बनना है। और मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वो उत्तम बनने के लिए पढ़ते हैं। अब ये है रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भविष्य के लिए है। तो ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम युग। जो बाबा का बन जाता है उसने तो चढ़ती कला उसकी है ही है, टेक इट गारंटी। अब चित्रों में जहां भी संगम युग है वहां पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है ना, अच्छी चीज बनाई जाती है, बुरी अपने आप बन जाती है ना। तो हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम है, उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनिक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन नहीं देंगे, बाबा चित्र तो नहीं बनाएंगे, ये बाबा तो डायरेक्शन नहीं देंगे। बच्चे तो शहरों में घूमते फिरते सारा दिन है ना, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाए जिससे भव का अच्छा हो। तो बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए, बुद्धि में सारा दिन ये याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। फिर कौन बनाते हैं सबसे उत्तम, वो है हमारा बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है उस एक बाप की, वो बाप ही बताते हैं। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। श्री तो सिर्फ देवताओं को कहेंगे, श्रेष्ठ तो वही है, उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहां कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता। सिख लोग गाते हैं मूत पलीति कपड़ धोए, यानी बाबा आकर मूत पलीति यानी विकारी आत्माओं के कपड़ों को धुलाई करते हैं, आत्माओं की धुलाई करते हैं ना, और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। और देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। और बाप समझाते हैं स्वर्ग में विकार यानी विष की पैदाइश होती नहीं। तो अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए। क्या करने आप आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। तो इस राजयोग द्वारा हम राजा ही प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो प्राय में पास नहीं हुए, प्योरिटी नहीं आई तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। तुम्हारी तो है ही किससे युद्ध आपकी, तुम्हारी तो युद्ध है ही रावण से, परंतु दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है कि रावण यानी 5 विकार हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ ही नहीं जानते कि 10 शीश क्या है।
तो तुम बच्चे जानते हो विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते, आचरण भ्रष्ट हो जाता है। सत्युग में सब श्रेष्ठाचार्य, सबके आचरण श्रेष्ठ है। तो बाप कहते हैं इस समय सब तमो प्रधान बुद्धि है, क्योंकि बिल्कुल अंधियारे में है। ये भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जब आग लगेगी तभी जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं। हर एक को बोलते आओ कोर्स कर लो, सुन लो थोड़ा ज्ञान सुन लो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी आएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कितने मेले लगाते हो, कितनी प्रदर्शनियाँ लगाते हो, मेले में तुम कितनी मेहनत, इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने हैं कोटों में, कोई करोड़ों को सुनाओगे तब कोई कोई आएंगे। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, बाबा के बच्चे तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तभी तो मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उनों की वृद्धि होती है, सब धर्मों की वृद्धि तो हो रही है ना। तुम्हारा ये छोटा सा पुराना झाड़ है, वे लोग तो जितने बाकी धर्म वाले हैं वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं और फिर विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है कुसंग तारे सत्संग तारे कुसंग बोरे, डुबो देगा। गलत संग करोगे, कंपनी करोगे, गलत खान पान करोगे तो डूब जाओगे, ये शास्त्रों में लिखा ही हुआ है। तो सत का संग तो एक बाप का ही है, तो कौन सा संग तारेगा ये ही नहीं जानते। फिर गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ। तो कौन है खिवैया, कौन सी नैया, ये भी नहीं जानते। फिर कहते हैं हे बागवान, यानी बागवान क्यों कहा, कांटों से फूल बनाओ, यानी इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ, कलयुग से पार ले जाओ। अब फूल तो यहीं बनना है, वहां जाके तो नहीं बनेंगे, यहीं बनना है, यानी दैवी गुण धारण करने हैं, या ये कहो पुरुषोत्तम बनना है, तो खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। अब जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती, यानी तमोगुणी है, वो नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी तो सत्व रजो तमो है ना, जैसे लहसुन प्याज तमो प्रधान है ना, नहीं खाओ। आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, और ज्ञान भी गरीबों को लेना है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि साहूकार लोग तो पैसे ही खूब उड़ाते हैं, वो समझते हैं खाओ पियो ऐश करो ये जिंदगी है। तो बाइस्कोप देखना, पिक्चर देखना बहुत खराब है, पिक्चर देखना सीरियल देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नरक में जाना। आजकल तो नरक मोबाइलों में ही आ गया, हमारे पास ही आएगा, नहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, पिक्चर देखने की जरूरत नहीं, मोबाइल में देखते रहो जो मैं देखते रहो। अब जितने जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। इस समय पूरा वैश्यालय है, तो बाप आकर बनाते हैं शिवालय। तो सारा मदार है पवित्रता पर, पवित्रता है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी है, अगर पवित्रता है तो शांति भी और खुशहाली भी है। तो रावण राज्य में कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ही युद्ध की बात है, पवित्र अपवित्र इसी का युद्ध चल रहा है।
तो योग बल, अगर अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है समझ लो योग बल की और कमी है, और योग बल बढ़ाओ, और योग बल बढ़ाओ, एक ही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है। चेकिंग करो और योग बल बढ़ाओ। तो योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। अब यहाँ कितने ढेर मंदिर है, परंतु किसके मंदिर है, कौन है, बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते। अब शिव के मंदिर में जाकर पूछो, शिव की बायोग्राफी बताओ, तो कुछ बता ही नहीं सकेंगे। अब तुम्हारे में भी जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं, तो तुम्हारे में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते ही हैं। तो सारा मदार है पढ़ाई पर, पहले था पवित्रता पर, अभी है पढ़ाई पर। आत्मा ही कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। अब पढ़ाता तो बाबा कहते पढ़ाता तो सबको राजयोग हूँ, राजाओं का राजा बनने का योग पढ़ाता हूँ, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ बनते ही हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कहाँ ध्यान देना है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवान उवाच, शिव भगवान क्या कहते हैं कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत, सुदर्शन चक्कर फिराते रहो उसको नहीं भूलना। फिर अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, चक्कर सारे कंप्लीट करते हैं, याद में बाबा कहते फेल है। इसीलिए कैसे पता याद फेल है, इसीलिए वो अवस्था, कौन सी अवस्था, वो खुशी कायम नहीं रहती। अगर खुशी नहीं है इसमें स्वदर्शन चक्कर नहीं कर रहे, प्रदर्शन पर चिंतन पर मत पर चल रहे हो। अगर स्वदर्शन करते रहोगे चक्कर लगाते रहोगे तो खुशी गायब नहीं हो सकती। चेक करो किसकी खुशी गायब होती है। तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए। किस सब्जेक्ट में, याद की यात्रा के सब्जेक्ट में अभ्यास बढ़ाना चाहिए। फिर चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। ऐसे ऐसे चित्र हो, अच्छी चीज होगी तो देखने तो बहुत आएंगे। इन चित्र बनाने वालों को कितना इनाम मिलता है। अब देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं कि एंटीक है जी, तो बड़े पुराने हैं जी ये, तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं, बहुत पैसे देकर भी खरीद करते हैं। विदेशी आते हैं, अच्छा एंटीक चाहिए, लो जी एंटीक है करके बेच देते हैं, बहुत पैसे लेते हैं उनसे। अब देवताओं के चित्र हैं सारे, अब देवताएं सतो प्रधान थे तो उनके चित्रों का भी कितना मान है, परंतु ये नहीं जानते कि भारत ही पुराने से पुराना है। सबसे पुराने से पुराना कौन, शिव बाबा। पहले शिव ही आते हैं, मनुष्य तो मूंजे हुए हैं, और तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, हम भी पहले तुच्छ बुद्धि थे, अब क्या से क्या बन गए, हम विश्व के मालिक थे। बहुत
धनवान थे परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं, नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। अभी तो बच्चों की बाहरी खुशी उड़ी दिख रही उड़ी अभी है ना, ये तो बच्चों की आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे, जो सूर्यवंशी में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। तो ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, ये पढ़ाई कितनी अच्छी है, रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं और तुम बनते हो त्रिकालदर्शी। और तुम कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, क्या बोलेगा, यानी तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, क्या बोलेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये तो आपकी कल्पना है जी, किसने देखा स्वर्ग, कौन सत्युग में गया है ना, लोग कहते आपकी कल्पना है जी। एक ने कहा, किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है ये भी तुम जानते हो, पहले कहा सिर्फ गॉड फादर, अब पता लगा वो गॉड हमारा फादर है किसी को नहीं पता। अब गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, उसमें लिख दिया गीता में, लोगों ने वही पढ़ा हुआ है, तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसा है ही नहीं, बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं, जैसे बाबा ज्योति बिंदु है वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। कैसा दिखने में आता होगा बाबा, बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे फायर फ्लाई होता है, जुगनू होता है ना, टिमटिम करता है ना, रात को लाइट जलती है उसकी, वो तो फिर भी चलो इन आंखों से देखने में आता है, और बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में नहीं आता। और तुम जानते हो परमात्मा कौन है, परमात्मा है ज्ञान का सागर, और तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बनी रहे हो। और आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, सुनती कौन है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही धारण करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। ये बातें कोई को भी समझानी आएगी नहीं, तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो, बाप हमें समझाता है फिर हम भी समझा सकते हैं आगे। तो परम पिता परमात्मा ही क्या है, पतित पावन ज्ञान का सागर है। अब कृष्ण को पतित पावन व ज्ञान का सागर कह ही नहीं सकते, बुलाते भी एक को है कि हे पतित पावन आओ, न कि कृष्ण व राम को कहते हैं। अब सीता का राम कोई पतित पावन था क्या, तो तुम सब हो भक्तनिया, भगवान एक है, तुम सब हो ब्राइड दुल्हने, और तुम्हारा ब्राइड ग्रूम दूल्हा एक है। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हारा श्रृंगार कराने, बाबा कहते आता है तुम्हारा श्रृंगार कराने, क्योंकि सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूँ। श्रृंगार हमारा किससे होता है, ज्ञान से, भक्ति का फल क्या है, ज्ञान, जिससे हमारा श्रृंगार हो रहा है। ये पढ़ाई कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, नर से नारायण बनाती है। कितना नशा होना चाहिए,
बाप आए हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने, तो ये है अच्छे ते अच्छा दान। सबसे अच्छा दान कौन सा है? ज्ञान रत्नों का दान। अब शिव के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, झोली भर दो। तो तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर है, हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, यानी अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम बनेंगे देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। तो यही है हम सो हम का राज। और मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो बात समझाते हैं हम सो पुजारी कैसे बनते हैं, यानी सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। इस राज को तुम ही जानते हो। किस राज को? ये हम सतो रजो तमो में कैसे आते हैं तुम जानते हो। ये धारणा करने की बातें हैं, इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा जाकर बनेंगे, वहां सबको सुख ही सुख है, और यहां तो क्यों दिख पड़ता है, दुख मिलता है यहां पर, क्योंकि यहां तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये है ही दुख धाम और वो है सुख धाम। अब बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा कोई बुरा काम ही मत करो जिसकी सजा खानी पड़े, अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसा ही मिलेगा, और अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। तो अभी ये ज्ञान है, फिर ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, क्या बात बोल रहे हैं, अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर, तो बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। तो यहां सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं, ये तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। कलयुग में जो भी कर्म करोगे वो भी कर्म बनना ही बनना है। अब गीता का भगवान कब आया ये कोई बता ही ना सके। फिर कहते हैं द्वापर में आया। क्यों कहते हैं द्वापर में आया, क्योंकि वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है। तो और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। कहानी क्या है, कलयुग में क्या है, पाप पाप होते हैं, ऐसी दुनिया से ले चलो। बाबा कहते अच्छा गोया मौत मांगते हो, इसलिए उनको कहा जाता है कालों का काल। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर नीचे भी गिरते हैं। तो तुम बच्चों को अब ये ज्ञान सारा समझ में आया है, तो ये बहुत वंडरफुल ज्ञान है, रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दुनिया में कोई दे ही ना सके। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या।
इसलिए निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या, जब तक वो आकर ज्ञान ना देवे तो सभी आत्माएं निराकारी दुनिया से यहां आकर पाठ बजाती है। तो अब भगवान को बुलाते हैं। अब भगवान को अपना शरीर तो है ही नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना, और कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं ब्रह्मा के तन में इनके शरीर में इनकी भ्रिकुटी में आकर बैठता हूँ। स्वयं खुद कह रहे हैं, जैसे आत्मा ऑर्गन द्वारा बात करती है वैसे बाबा भी अनेक ऑर्गन द्वारा समझाते हैं। तो गाया भी हुआ है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। अब इन गुह्या राजों को तुम ही जानते हो। लोग सोचते पता नहीं कौन सा तारा सितारा चमकता है, हम समझते हैं कि आत्मा सितारा है जो अंदर यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिख किलने बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए, अपने रिवार्ड है ना, अच्छी किस्मत बनानी है क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है और कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बुरा काम किया तो सारा बह जाएगा उसमें। दूसरा, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। अब देवताओं को जो चीज़ स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। कैसे करेंगे? वरदान, त्याग, तपस्या और सेवा द्वारा। सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। कौन राजा? सर्व के कल्याणकारी। जो सर्व के कल्याणकारी होंगे वो सफलता तो मिलेगी तभी होंगे। तो सफलता कैसे मिलेगी? त्याग, तपस्या और सेवा द्वारा। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, त्याग, तपस्या और सेवा। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, आग लगी होगी सेक तो आएगा ना दूर से ही, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित कर, यानी इसको वाइब्रेशंस, आपके त्याग तपस्या के वाइब्रेशंस आने चाहिए। अब सेवाधारियों के साथ साथ, सेवा तो कर रहे हैं साथ साथ त्यागी और तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी त्याग कहाँ करना है? तपस्या क्या करनी है? त्याग कहाँ करना है? कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाए ना दो। त्याग कहाँ है? पुराने संस्कारों का और संकल्प भी ना है, ये त्याग। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाए ना, देवान बिल्कुल खत्म हो जाए, सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा, ये है तपस्या हमारी। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये हमारी तपस्या रूप है। फिर ये हुआ, फिर जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। एक भी आत्मा के लिए अगर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आपका योग नहीं लग सकता, सफलता नहीं मिल सकती।
उसके लिए क्या करना है, स्लोगन है देह भान से पार जाने के लिए, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख चेतन और चरित्र को देखो। शरीर को नहीं देखना, तो शरीर के अंदर जो आत्मा चैतन्य में आत्मा उसको देखो और उसके करैक्टर्स को देखो, बस कैसा करैक्टर मेरा है, इस आत्मा का क्या करैक्टर है, मुझ आत्मा का क्या करैक्टर है, सिर्फ इसको देखो तो सोल कॉन्शियस बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।